बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 10 ऑफ क्लास 7th फ्रॉम काउंटडाउन मैथ्स, यूनिट नंबर 14 सर्कल्स, पेज नंबर 179। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 179। बेटा हम एक्सरसाइज 14A के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ओ होगा और रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर का। टेक अ पॉइंट ऑन द सर्कल, फिर सर्कल पे एक हमने पॉइंट लेना है ए एंड ज्वाइन ओ ए, और ओ ए को ज्वाइन कर देना है। टेक अनदर पॉइंट बी, एक और पॉइंट लेना है बी ऑन द सर्कल, सर्कल पे, सो दैट मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसमें मेजर एंगल ए ओ बी हमारे पास होगा 60 डिग्री का। ज्वाइन ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन कर दें। मेजर ओ ए, ओ बी एंड ए बी, इनको हमने मेजर करना है। आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल हैं? कैन यू नेम द ट्राइंगल, क्या आप इस ट्राइंगल का नाम बता सकते हैं? तो बेटा देखते हैं इसका सलूशन। जी, सबसे पहले हमने अपने कंपास को मेजर किया 3 सेंटीमीटर और एक हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेंटर उसको हमने नेम दिया ओ का। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया ए ऑन द सर्कल, कहीं पे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ए हमने एक पॉइंट लिया, ज्वाइन कर दिया ओ को ए के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने एक और पॉइंट लिया बी सर्कल पे ही, लेकिन ये इतना लेना है कि हमने यहाँ पे जो एंगल है ये देखना है कि 60 डिग्री होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ पर हमने मेजर किया इस पॉइंट पर 60 डिग्री, और ये हमने ज्वाइन कर दिया ओ को बी के साथ, ठीक है। इसके बाद बेटा ए को बी के साथ ज्वाइन किया, और हमने इन तीनों साइड्स को मेजर करना है, ओ ए, ओ बी एंड ए बी। तो ये तीनों साइड्स इक्वल हैं 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये तो बेटा आप जानते होंगे कि ये रेडियस है, ठीक है, ये दोनों रेडियस है तो ये इक्वल होंगे, लेकिन जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी इक्वल ही है 3 सेंटीमीटर के। तो देखें ये कौन से ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो ट्राइंगल हमारे पास होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देखते हैं। नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, रेडियस 3 सेंटीमीटर। नंबर 2, टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल। नंबर 3, ज्वाइन ओ ए। नंबर 4, टेक अनदर पार्ट बी ऑन सर्कल, मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नंबर 5, ज्वाइन ए टू बी। नंबर 6, मेजर ओ ए, ओ बी एंड ए बी, दे आर ऑल इक्वल। नंबर 7, ट्राइंगल ए ओ बी इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायामीटर 8 सेंटीमीटर। हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायामीटर दिया गया है हमें गिवन 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ डायामीटर ए बी ऑफ द सर्कल, फिर हमने ए बी डायामीटर सर्कल में ड्रॉ करना है। टेक अ पॉइंट पी, एक पॉइंट लेना है हमने पी ऑन द सर्कल अदर देन ए एंड बी, मतलब ए और बी के अलावा एक और हमने पॉइंट लेना है पी सर्कल में। ड्रॉ ए पी, ए को पी से मिला देना है एंड बी को पी से। मेजर करना है हमने एंगल ए पी बी, मतलब एंगल पी हमने मालूम करना है कि हमारे पास कितना आया है। सबसे पहले बेटा देखें कि डायामीटर हमें कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो हम अपना रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस किसके इक्वल होता है? डायामीटर ओवर 2 के। तो 8 सेंटीमीटर ओवर 2 डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन हम अपनी कंपास को मेजर करेंगे और 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
सेंटर को नेम दिया ओ का। उसके बाद देखिए ये डायमीटर है जो कि इसके सर्कल को टच करे और सेंटर को टच करता हुए सर्कल के दोनों जो एजेस हैं दोनों सिरों पर इनको टच करें। ये हमने ए बी एक डायमीटर ड्रॉ किया जो कि इक्वल है हमारे पास 8 सेंटीमीटर के। फिर बेटा हमने एक पॉइंट लिया पी ऑन द सर्कल, ठीक है, कहीं पे भी आप ये पी पॉइंट ले सकते हैं। ये पी पॉइंट लिया, ए को ज्वाइन किया पी के साथ, बी को ज्वाइन कर दिया पी के साथ, और विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हमने जब मेयर किया तो ये एंगल हमारे पास आ गया है 90 डिग्री का। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देखते हैं। नंबर वन, ड्रॉ आ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। नंबर टू, ड्रॉ डायामीटर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नंबर थ्री, टेक अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल। नंबर फोर, ड्रॉ ए पी एंड बी पी। नंबर फाइव, मेयर एंगल ए बी पी सॉरी ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमें गिवन हमारे पास है गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। शेड द माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड विद पी क्यू एज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। फिर बेटा हमने एक कॉर्ड लेना है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 2.5 और इसको हमने शेड कर देना है। ये बेटा हमारी डायग्राम है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर का। मीन आपने 3.5 सेंटीमीटर जो है वो अपनी कंपस मेयर करके स्केल से ओपन करनी है और एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेंटर को नेम देंगे हम ओ का। उसके बाद बेटा हमने अपनी कंपस को ही आपने ओपन करना है मेयर करके 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक कॉर्ड लेना है, मतलब ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है, कहीं पे भी आपने रख के ये आर्क लगा ली 2.5 की और ये इसको ज्वाइन कर देंगे। इनका नेम राइट करेंगे पी एंड क्यू और इसको हमने ये शेड कर दिया, ठीक है, ये हमारा क्या है माइनर सेगमेंट, ये हमने शेड कर दिया। तो ये थी हमारी डायग्राम। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। नंबर वन, ड्रॉ अ सर्कल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। नंबर टू, ड्रॉ अ कॉर्ड पी क्यू जिसकी लेंथ इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। नंबर थ्री, शेड द माइनर सेगमेंट कॉर्ड पी क्यू। बेटा कंस्ट्रक्शन स्टेप्स वही हैं कि जो आपने चीज़ जैसे जैसे ड्रॉ करनी है वो उसको हमने सेम वैसे ही राइट करते जाना है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट विच ऑफ द पॉइंट्स शोन इन द फिगर आर इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल और पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो इसमें बेटा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये आपने खुद से राइट करने हैं। सबसे पहले हम देखें इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर किसे कहते हैं, इनके अंदर वाले अंदरूनी पॉइंट्स को। तो इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, ए सी डी एंड जी, ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स हैं। और एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से हैं, बाहर वाले बैरूनी पॉइंट्स, देखें ये है एफ एंड बी, ये सर्कल के बाहर हैं पॉइंट्स हमें दिए गए। तो एफ एंड बी हमारे पास क्या आ गए, एक्सटीरियर पॉइंट्स, और वो पॉइंट जो ऑन द सर्कल है ई एंड एच, ये ऑन द सर्कल है। तो बेटा इसको आपने खुद से बस राइट कर देना है, ठीक है। अगेन इंटीरियर पॉइंट्स हैं ए सी डी जी, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं एफ एंड बी, और पॉइंट्स ऑन द सर्कल हैं हमारे पास ई एंड एच। तो इसका आपने खुद से राइट करना है।
होमवर्क आपके क्या है कि आपने इन सब क्वेश्चंस की जो अब आज हमने की है एक्सरसाइज अपने 14A के क्वेश्चंस जो 4 किए हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने रजिस्टर्स पे। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।